जानू बारी में जानू नीचे वारे के नमी न की नरे फायदा बड़ा बैठा ही ने हेटा हिन मथानों को बारी हुई ने ते में जानू को बारी में पाके मने नहीं गोई नमी नहीं बस तो यह बाकी हवा लो डेने लो जिसका छत मथानु बारी में नीचे बैठे ने के जी नहरी दोए ती अरफात में जितरा आया ही ते तो अल्लाह ताला ये आसमाने दुनिया में जा पिंजी कुदरत से जाके ने पिंजे बंदे के ले जे जने मुं समाए नहीं जो कोई रब ने माबूद ना है अरे मुं जा जाई तरे अजी ने फकीर बनी करे ने मुझे धर्म से आया ही इन्हीं फकीर ने के इन्हीं जी मांगनी प्रमाणे कुरीला न दिया की नौ तारीख जो याने अजिल अच्छा जी वो यानो सांझी जो सजो ली वने पर मगरिब नमाज न पढ़ा वो तो सलात न पढ़ सीधो यानो हल्या वने ता के ने बसे से जैसे सको हुंदी मुल्तलिफा में मुल्तलिफा में दो है ज्ञाने बारे घंटा ने पूजो तो ते पूजी ने पहली मगरिब पढ़ा दी कजा न थींदी अदा थींदी वो यानो ईशा पढ़ा दी अई आंजी ते पढ़ी दिन जा वडा ताने जमात जो इंतजाम न तो थी पहली मगरिब वो ईशा अने पोई वडा रात जो आराम ने करयो ने दा ककरी मारे वाने के ककरियों लगभग यान मिली थी वने जरा वडा वडा तलाश करी दर सनु सनु ककरी मिली वने थी ते ता ककरियों बेरो करो आके बुद्धि सत सत मारी जो एकवी एग्यार में जो अने एकवी बार में जो अने सत ककरियों दसवी जो मारी जो ते इन हिसाब में ककरी बो चार पांच सात वधारे पले अनु चंडे गनो कि ककरियों पर साफ करे दुई अने आबेरी रखी जो अने फजर जी नमाज पढ़ी रेडी अने यहाँ से ही रवाना सीधा वेंदा मीना में पहलो कम ही करे जो जमन अकबा जो को वडो शैतान जैके चैता तैंके सत ककरियों मारी जी सत ककरियों मारे अने कोई आमते कुर्बानी जो को वाजिब ऐसे बने ही कुर्बानी पे करेला वियो या आंजे तरफ से कोई आंजो या ने वकील वही ने करी अच्छे या आजकल हुकूमत जो इंतजाम रखे लो है ने हुकूमत या ने कुर्बानी जा पाके ने बिल नहीं देती अने ऊ पाके पहुंचे ते पर माने कुर्बानी या ने करे वाली हूं को ना जो की तंजीम होई से करी दू तो है पर माने की कुर्बानी थी चुकी हां जी तो हने पाए आराम पता से मुंडा तेना करे ने ओते हजाम पहुंचो ना हजाम नो तो पाव ते जो को बंदोबस्त होए पांजी ने मथे जा वार आ मुंडाना या ने जो से कतरा भेजना तो ई थे हजामत अमुक मानु गलत फहमी में पैदा चंदा जे हलक ने कसब जो को चोरा जतो तो बेरी बेरी दाढ़ी बहुता ने बेजो इन जो हलक बे चंद रजा जुड़ी में दलील करी था तेने आवाम वाले ने मौलवी जो को असा पुछिया पयाई नहीं चे दाढ़ी ही मुंडा ही दही मुंडा ही था ओ हज जे अरकाने जे मिंजे करा लगभग ने बोवेरा दाढ़ी मुंडा जणा को सामने गली पे था भाई दाढ़ी जो ना ही मथे जो सवाल है अल्लाह ताला यानी जो उसने खास लफ्ज चेंज हो रो सो को मो का शरीर ला तो खास आज मथे जो और ई जगह ने हरम बरो ही समझता दाढ़ी को ध्यान हो जाए करो उतार जो ये लो समझ लो पर ये गलत फहमी है ये मथे जवाब એટલે એ ઉતારી વેદાંત આંજી અને ચોક્કસ એરામ મે જાણો આઝાદ થઈ ચુકા ભાઈ હાણે હાણે એરામ જો પાબંદી નહીં હાણે અહીંયા એકડી પાબંદી ઔરત જી બાકી ક્યાં સુધી જે અહીં અહીંયા બધી કાકરી મારીંદા ગ્યાર મેં જીધી ત્રણ શેતાને કે બાર મેં જીધી ત્રણ શેતાને કે અને એ જે દરમિયાન મેં તવાફે ઝિયારત મક્કે વિની કરે અને સવા સત ચક્કર તવાફે ઝિયારત એ ફર્જ હે ત્રયો ત્યાં કે અદા કરી જોઈએ कहीं थे असो हज जो अरकान पूरे शहर बाकी जाने मक्के में जा रवाना थी होता तरे हिकड़ो तवाफ वाजिब है जैके तवाफ विदा चाहिए था ही थे पूरे या मर्द की गाल कर औरतें ना करी ना एहराम में भी नाऊ की बनाए जी पंजा कपड़ा जी पे रंगी पहनी जड़ा पहनी फकत ये है जे रवाज प्रमाण में औरतें जी बाहु खुलू रहती हुई न होनी खबर ये हज की गाल ना है मुसलमान औरत के हमेशा गमित ना हो तेरे माँ ही खुली रखनी इनके सीनू खुले रखे बराबर है सीनू खोलो रखें अरे बराबर है कमी से ना होए खपे पंजे घरें होए पसन में ये माओ इन जी ने ये सत्र में लिखा जाती अरे ही माओ ते डके जो खपे एना मथों इन जा वार डकेला खपे तेला करे ने ना आजकल एड़ा उडन निकले जाई अछन पे तो बेहतर ये जिन में ने मथे ते अड़ो मिसर जड़ो वधिक ने ताकि ने इन जा वार खुला न रहे औरते के मथो डकू औरते के अने हेदा ही ने जो बाव पण डकेन करते बाकी पगे के बिदारा भले पिट के जो पर चपलू पहनी मोजा पहने के नहीं मनाई ना कपड़ा केड़ा पर रंगीत पहनी नहीं के मनाई ना नहीं जो ही पाबंदी नहीं मथे पिए जी खुशबू न लगाए अथवा मथो वेड़ी में या नहीं जा वार टोटना में ते ने मथो पर न भेजी खुशबू वारो तेल पर मथे में न भेजे अने न खुशबू खेन न वापरी पाबंदी बिहड़ी अने आहिस्ता आहिस्ता हरे हरे लबे के वडिया वासन
बाकी मरे अरकान जो को मरदे जाए से औरतें जाए तो मैं औरतें मथे एतरी माफ़ है जो काबतुल्ला जा तवाब जा जो त्रे चक्कर में रमल करे जो मरदे के से औरतें के दौड़े जो ना अने सफा मरवा जी सही जिम्मेदार जो को हर चक्कर में नीला मील अचन था तें में मरदे के जो को दौड़े जो तुम्हें औरतें के ना पुछो तो भला असांजी शरीयत इस्लाम के औरतें की गुला माफ़ किया मिन मिन वेचारा अड़ा मर्द होता बदन जहा अड़ा जाडा मोटा या वृद्ध अवस्था जहा डोसल हाँ उन्हीं के भी दौड़ लोने औरतूँ तंदुरुस्त तवानाई तें कि दौड़ी बुझे थी अड़ी दौड़ी थी मर्दे कर अपना अगिया नंबर निकली वे तें को मना तो इन गाल की कदर कजा मुझे माओ भेनों सुन अगर चे हाजिर हो तो सुने जी औरत की इस्लाम इज्जत रखें इस्लाम इज्जत रखें जो औरत अगर दौड़ दी तो इनके बदन जहा आजान पुरदा दौड़ी जिम्मेदार हरकत कंदा अने अमुक मानू की नजर पौती नी औरत की इज्जत मथे खतरो चला रुकन मा दौड़े जो मा हेडा मा फोड़ाई औरत की इज्जत रखे इज्जत रखे औरतें मथे यानी काबतुल्ला के तवाब जो त्रे चक्कर में दौड़े जी औरतें मथे ना अने अड़ी रीते सत चक्कर सफा मरव जाए तो औरतें मथे दौड़े जो ना ही है इन हज की अरकान की अदायगी हाँ तमक तो सुना है इनमें इफराद अने किरान में भी फर्क ना है इफराद ही चाहता जो मुंबई में जानू अगर अहराम बधे तो अहमदाबाद में जा तो ये रुगे हज जो अहराम बधे फकत हज जो नियत करें तो हाँ ये बने वही काबे जो तवाफ करे पके मौजमान पर त्या सूदी इन जो अहराम की हालत रोंदी ज्या सूदी और हज जो अहराम अदा थी नो त्या सूदी रोंदी वो खबर महीनों डी बच में हो खबर तो डेढ़ महीनों हो खबर चार डी हो अहराम जो अरत रुगो चादरों नहीं ये बने चादरों भी चौथे डीन के बदलाइन बने बदला विजे मैली थी नापाक थी बदला सके तो हालत अहराम रोंदी पाबंदी मैंने रोंदी इफराद वाले की और वही पाछ वो मिना में काबतुल्ला मैदान अरफात में मुज़दलिफा में ये मरे अरकान थी वा वे शैतान के ककरी मरी वी कुर्बानी थी वी तें पुछिया इन अहराम उतरदा त्या सूदी अहराम की हालत में रोंद त्या सूदी इफराद वे मथे कुर्बानी ना है तमत्तो वे मथे है थी इफराद अने हिकड़ो है किरान किरानी है जो उमरों अने हज मौज की बेरी नियत करी तमत्तो में यानी जो उमरों अलग उम्र करें नियत और जैसे हज जहा डी अचे तदे नियत करें हि क्या थी बेरी नियत करें क्या थी अगर मुंबई थी रवानू थे तो जिद्दा थी रवानू थे तो जानो अहराम बधे तो क्या थी बेरी ज नियत करें उम्र अने हज की तो उम्र अदा करे कि तो इनकी अहराम की हालत कायम रही हालत कायम रही और त्या सूदी जो सजो हज जो अरकान मेरा पूरा न थी बेहतर क्यों तो बेहतर अगर चे कें कहो हो तो किरान बेहतर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजतुल विदा हिजरी सन 9 में जो मदीने मुनव्वरा में जानो आया अदा कल से किरान क्यों पर ई कोई न समझे जो यानी जो तमत्तो क्यों तो रखे हज जा यानी नंबर घटी वा किरान जहा वी त्रोह प्रकार हज जा हज ज्यादा थी तो पर अगर कंजो इरादो थी चाहूँ किरान करियाँ तो इनके फजीलत करी फजीलत है सुन्नत हुज़ूर की अमली है बाकी त्रोई जी मदहब इस्लाम जो मिले पर दरेक दाजी ने जो से सरखामणी है तो हि इन जहा हजार का यान थी करें कें पहली यानी जो से कुदरती हाजी नसीब थी थी बार गाय रिसालत में कें कोई थी थी तो वे में वही नियमत है अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायों जे मन ज़ार कबरी वजबत लहू शफा जै मुझे मज़ार की जियारत कई हुज़ूर चवनि था तो मुँह मथे लाजिम है जो कयामत चीरी उनकी शफात करी हुज़ूर ज़मीन गनी गने था या शफात करी हम ये थोड़ी नियमत ना है ये गारंटी मिले थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दीता जो मुझी जियारत कें कम मज़ार की तुम मथे शफात मुँह मथे लाजिम एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया जो मन ज़ारनी बाद ममाती फ़कन्नमा ज़ारनी फिल हयाती मुझे रहनत करा बाग जो को मुझी जियारत ना आयो तो का मुझी जाहिरी हयात में मुझसे मिले लाए जाहिरी हयात में जो का असान जो ईमान है जो हयात उन नबी पर छता हुजूर ही फरमायो कि जाहिरी हयात में जिंदगी से मिलने वाला मिले ती मुझसे मिले लाए जे करे मुझी यानी कोई जियारत के एकड़ी हदीस में आप ही फरमायो कि मन हुज बैतुल्लाह अल हराम जे बैतुल्लाह शरीफ जो हज कियो
लम यज़ुरनी फ़क़त जफ़ानी, अने अगर मुझी ज़ियारत न के मोमिन ने मुसलमान थी तो मुझे दुख हो जाए। ये हितरी हितरी मूर में आयो है, अने इनके मुझी मोहब्बत नथी थी जो को मुझी बारगाह में अचे। लिहाजा असा अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक करीब वाजिब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत, हुज़ूर जी ज़ियारत करीब वाजिब। मस्जिद नबवी जी नमाज़ों फज़ीलत वाली अलग चीज़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रोज़े मुबारक जी ज़ियारत यानी वाजिब जड़ी है। लिहाजा ई समझ जा जे अगर यानी आज जो सजो हज है ई पूरो जिस्म है, सर वटा करे ही अखियों कन नक ही पांजो बदन जा आदा सजो जिस्म मड़े बिजली कुरा था या बदन जा कुर्दा जकी दिल नहीं फेफसा आई असान जो यानी जो को कले जो ही मड़े पूरा कुर्दा आई पिन पिन जी यानी जो को से कम गरी करी बेटा, पर इन में रूह न हो तो इन जिस्म जे में जारा अगर रूह ना है तां जो यानी जो को से दिल दबकारा से न कह दो तरे खुशी अने गम अने रंजपन महसूस न कंदो, अखियों दिसे जो कम न कनी, जबान बोले जो चखे जो कम न कंदी, कान सुने जो कम न कंदा, मड़ाइन मातल थी मंदन त ई समझ जा जे हज जी रूह मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रूह है। हजरत सैयद अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु पंहिंजे खिलाफत जे दौर में आप याने जो कुछ कूफे पंहिंजे दारुल खिलाफा के रखियो बराबर साल भर जे में जरा चार वेरा कूफे में जानो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में ज़ियारत ला चिन्ह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक आदिल बादशाह थी बनी उमिया में जा उमर हर महीने पंज घोड़े सवार आले मौलवा तेके ने पिंजा खर्चा दे ने हलाए जे मुंजा सलाम दरबार रिसालत में पजाए तो महीने हलाई दो जने असा के ई सादत नसीब थी जी ने जो को सैकड़ो वडे में वडो पंज हिंदुस्तान जे ले सुन्नत जा आलिम थी आई जे के मुअज्जिस आज़म हिंद चंदा कोई ने ई चंदा ये सबा मुझको ले चल मदीना उड़ाकर, सुबह जी हवा जो को लगे थी सबा मुझको ले चल मदीना उड़ाकर जिसे दरगहे आसमानी कहूंगा। आसमान जी कोई मजार ने दरगाह हुई आसमान जी ताम आसमान जी दरगाह मुझे आका मोहम्मद मुस्तफा जी दरगाह था इतना पाम थे करम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाम थे निगाह करम जी पांची हिंद जमीन ते रहा नका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो आप जी मजार अर्श आजम मते थी सके। सबा मुझको ले चल मदीना उड़ा कर जिसे दरगहे आसमानी कहूंगा, नबी जी के रोजे की जाली पकड़ कर दुखे दिल की सारी कहानी कहूंगा। मुझे दिल जे में जरा दर्द परिपन सजी दास्तान हुजूर के रूबरू सुनाईंदो से तू मुखे उड़ा पुजाए। ऐ सादत मंदो ऐ खुश नसीबो ऐ हुज्जा जी किराम अगर चे आमते फर्ज थी तो ने पहली बार मनो था या फिर बिया त्रिया मनो था वडा खुश नसीब आयो वडी आंजी सादत है अल्लाह जी बारगाह में दुआ गुजारी ताज परवरदिगार आलम आंजो ही सफर जांची करे ने आंजे सफर जी शुरुआत करो यानू करे अने पूरे सफर में अल्लाह ने उनके रसूल जी अमान में रहो। पूरे सफर जे मिजले पर अल्लाह ताला आके ईमान अने आंजी जान जी सेहत नसीब करे। इन सफर में जेकी के आई खर्चो था इन करा हजारों गणा दर्जो वधारे अल्लाह ताला आंजी रोजी में दा बरकत दे ने आखिरत में पंजी शान जे लायक बरकत अता करे। अने रब्बे जलील तमाम पांजे गुनाह खाना पांके काफ पाक करे अने फ्री जिंदगी पांजी ईमानी अने इस्लामी जिंदगी गुजारी जी तौफीक दे। इन सवाए अन्या सूदी जो को महरूम इन ना पुजी सग्या पा उन्हीं ला करे पण बेरा थी ने दुआ मंगन परवरदिगार जो को इन दरे अक्दस मथे हाजरी ना दे सग्या जो को तो जो फर्ज अदा ना करे सग्या उन्हीं की तौफीक अता कर उन्हीं के समझ दी अता कर जे तो जे मुकद्दस बारगाह में हाजरी दिए हज अदा करिए इन जा अरकान ने मनासिक अदा करिए अने तो जे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह है आली जे मिजले को ज़ियारत ने सलाम मिला कर ने हाजरी दिए ए अल्लाह ती मणि के तौफीक अता कर असा जे गुनाह के माफ कर अने असा के अहले सुन्नत व जमात जो जो सही अने बिल्कुल मंजूर और मकबूल जो को बसर का ने अकीदो है मते कायम दाम रख फमा अलैना इल्ला अल बड़ा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।